हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिडनाइट वीडियो। यस, मिडनाइट इसलिए क्योंकि अभी मैं आपको टाइम दिखाऊं, 3:21 हो रहे हैं रात के और मैं जगी हुई हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है। और ये आज की बात नहीं है, ये मेरे साथ करीब रोज ही हो जाता है कि मुझे रोज ही नींद नहीं आती है। कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 1 बजे 2 बजे तक आ जाएगी, कभी तो रात भर नहीं आएगी। और शक्ल तो दिखाने लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार, कुछ भी दिख भी नहीं रहा है, बिल्कुल अंधेरा है। आप भी सोचेंगे ये मैं क्या दिखा रही हूँ, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन एकदम अंधेरा है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार वीडियो शूट कर लेते हैं, देखते हैं कि थोड़ी सी रोशनी आती है कि नहीं। तो मैंने मोबाइल उठाई और मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी, दिख रहा था, ये पता चल रहा था कि मैं ही हूँ कभी कभी। और सब लोग सोए थे तो मैं लाइट भी नहीं जला सकती थी, और आंखें देखो कितनी सूजी हुई दिख रही हैं, बस इसलिए कि मैं रात भर में जगी रहती हूँ तो क्या करूँ, मोबाइल ही चलाना रहता है। ज़्यादा मोबाइल देखने के वजह से भी इतना सब हो जाता है। और जब बैठे बैठे मुझे नींद नहीं आई तो मैंने सोचा कि चलो ग्रीन टी पीते हैं, शायद थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाए तो नींद आ जाएगी। तो वही मैंने बनाया, सभी लोग सोए हुए थे तो मैंने बस बना दिया। पानी गर्म करना रहता है और इसका सैसे आता है, उसमें डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया। फिर कैसे भी करके मैं सोने की कोशिश की मैंने, तो जब रात में लेट में सोएंगे तो सुबह लेट ही उठना होगा। और आजकल छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो ऑलरेडी लेट हो ही जा रहा है। और ये है सुबह की चाय, तो इसके आगे वाली वीडियो में ओरिजिनल वॉइस में होगी। हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो मैं बैठी थी और रात में की बात तो मैंने बताई कि मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं बैठी थी ना, तो बैठे बैठे मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे, बैठे बैठे क्या ही करना है वही देखी। फिर उससे रिलेटेड और सारी वीडियोस आने लगी, फिर और भी आने लगी, मैंने देखा उसे, फिर मैंने सोचा कि यार ये यूट्यूब अब यूट्यूब नहीं रह गया है, अब ये एक पूरा दंगल हो गया है, मतलब एक अखाड़ा जैसा हो गया है। और उसमें सभी लोग आ रहे हैं, अपने अपने हिस्से की बातें कर रहे हैं, रख रहे हैं, और अब जिसको जो सोचना है वो सोचे, वो लोग तो आए अपनी बातें रख के चले गए। तो एनीवेज, उससे मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैं अपने तरफ से कहना चाहती हूँ कि यार ये यूट्यूब ना, अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा भी है और ख़राब भी हो गया है। पहले ये था कि लोग यहाँ पहले अपने टैलेंट को लोग दिखाते थे, अपने हुनर को लोग दिखाते थे, और अभी तो ऐसा हो गया है ना कि ये एक अखाड़ा हो गया है। और यहाँ मैंने अपनी कुछ बातें कहीं, फिर दूसरे ने आई वो अपने साइड की बातें कहीं, फिर तीसरा उसमें कूद के आया अपनी बातें कहने के लिए। तो ये सब चलते 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 मुझे तो लग रहा है कि कुछ दिन में YouTube भी बैन ना हो जाए, ऐसा मतलब इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, किसका किसका नाम लूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, या मेरे पे कुछ ब्लेम आ गया तो, मैं तो इतनी छोटी सी यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर भी मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं अपने शौक से बनाती हूँ वीडियो बस इसलिए। तो अब क्या बोले, मेरे तो चलो छोड़ो उन सबों की बातें, मेरे को कन्फ्यूज़न ये है कि कल व्रत रहना है या परसों रहना है, मतलब अष्टमी कल है या परसों है, ये मेरी वीडियो कब जाएगी मुझे खुद ही नहीं मालूम है, कल जाएगी या आज ही जाएगी, कब जाएगी उसके लिए भी मुझे टेंशन है, व्रत का भी है। टेंशन इस बात की नहीं कि व्रत रहना है, टेंशन ये है कि कब रहना है, कल रहना है या परसों रहना है। अब किसी से कन्फर्म करके तो बताए, मतलब पता चलेगा, अभी मुझे तो अभी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि कल रहना है या परसों रहना है। तो बस मैंने बैठे बैठे सोचा कि वीडियो बना लेते हैं, बहुत दिन हो गया है वीडियो बनाए हुए, पोस्ट किए हुए, कुछ जा नहीं रहा है, तो बना ही लिया और देखते हैं पोस्ट इसको कब करती हूँ मैं। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैं ये वाले वीडियो का भी एंड कर देती हूँ, मिलूँगी आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर किसी को मालूम है तो मुझे अभी कमेंट करके बता दो कि कल व्रत रहना है या परसों रहना है, और जो ये यूट्यूब की कंट्रोवर्सी हो रही है वो कैसे ख़त्म हो सकती है, आप लोग तो नहीं बता सकते, जिसके कल हो सकती है वही बताएंगे। तो चलो बाय बाय, मिलेंगे कल।